तुमने तो सारा घर सर पे उठा लिया है। बोलो। मैंने तुम्हें दवाई लेने भेजा था, मोनिशा को लेने नहीं। ओहो, मोनिशा के पास बहुत अच्छी दवाई है जुकाम की, पी लो। ये लीजिए मम्मी जी, भगवान का नाम लेके पी लीजिए। तुम्हारे घर की दवा है तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। बड़ी जानी पहचानी सी बोतल है। ओह माय गॉड, ये खटमल मारने की दवा है मोनिशा, दिस इज पॉइजन। ओहो माया, कम ऑन, सिर्फ शीशी पॉइजन की है। मोनिशा ने उसे 2-3 बार पानी से धोया है, धूप में सुखाया, फिर इसमें दवाई भरी है। तो क्यों ओरिजिनल शीशी में नहीं रख सकते थे दवा? ओह शायद उसमें गरम मसाला रखा है। नहीं मम्मी जी, ये दवाई बोतल में आती नहीं है, लक्कड़ बाबा तो इसे गगरी में से निकाल के देते हैं। लक्कड़ बाबा? सारे मर्ज की एक दवा, इसे पीते ही आप ठीक हो जाएंगे। क्यों मुझे नहीं ठीक होना है? यू मम्मी जी, मैंने इसके 21 रुपए दिए हैं। ओह माय गॉड, 21 रुपए? हाँ माया, वो तो 51 रुपए मांग रहे थे, लेकिन मोनिशा ने बड़ी तगड़ी किस्म की बार्गेनिंग की उनके साथ, कहा हम लोग बहुत गरीब हैं। What? हाँ मम्मी जी, ऐसा करने से डिस्काउंट मिलता है। बाबा के चेले ने तो तरस खा के मुझे 1 चम्मच फ्री भी दे दी इस बॉटल में, सिर्फ 21 रुपए में। हेलो। अरे ऐसे फोन नहीं आंसर करते दूसरे का। रोशेश भैया। हाय स्वीटी। अबे तो रोशेश की मम्मी बोल रही है क्या? क्यों ऐसे सड़क छाप आवाज में क्यों बोल रहे हो? किसी नए रोल की प्रैक्टिस कर रहे हो? तो माया सारा भाई बोल रही है ना? हेलो, तुम कौन हो? रोशेश कहाँ है? ध्यान से सुन। क्या हुआ माया? ये छपरी बेटा मेरे कब्जे में है। हिंदू है, कितने नवाद कर उससे। बाबा मुझे बचा लीजिए। बेबी क्या रुस्ती जी, इंद्रवदन कितने बचा लीजिए मुझे मामा, प्लीज। रोशेश बेटा कहाँ हो तुम? अरे तू आवाज बदल के क्यों बात करती रे? मैं रोशेश का डैड बोल रहा हूँ, इंद्रवदन सारा भाई। रोशेश को अगर जिंदा देखना है तो 1 करोड़ रुपया तैयार रखना कैश, नहीं तो तेरा ये बेटा। बेबी बप्पू बेबी, किसी ने रोशेश को किडनैप क्यों किया साहिल? खुलेआम किसी को अपनी कविता सुनाई होगी रोशेश ने। यू आर नॉट फनी इंद्रवदन। लेकिन मॉम, उन गुंडों ने हमें 2 दिन की मोहलत दी है, तो 2 दिन तो शांति एंजॉय करनी चाहिए ना हमें। इसको क्यों नहीं किडनैप करता कोई? पेन उधर मेरा बच्चा बेचारा खतरे में है। तो ये खतरा तुम्हें तब नजर नहीं आया जब उस गुंडे हरिराम डोगरा के दारू के अड्डे पे तुमने रेड करवाई थी उस महिला समाज कल्याण सेंटर की औरतों के साथ मिलकर? वो नकली दारू का इल्लीगल अड्डा था, वहाँ स्कॉच भी डुप्लीकेट बेचते हैं, स्टेनलेस स्टील के ग्लासेस में सर्व करते हैं और मंचिंग में मूंगफली के भजिए। और कोइंसिडेंस देखो, उस अड्डे का नाम क्या था बताओ साहिल, बताओ। मनीषा लिकर बार। It was so horribly middle class. And middle class लोग बेचारे दारू अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बंद करवाया था वो अड्डा। ये उसी का बदला है, हरिराम अपना नुकसान वसूल कर रहा है तुमसे 1 करोड़ रुपए मांग कर। मगर रोशेश भैया के लिए 1 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ मोनिशा, थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन अगर वहाँ कोई स्कीम चल रही होगी ना तो हमको 15% डिस्काउंट भी दे देंगे वो लोग रोशेश के लिए। मॉम, I think we should call the police. No, don't call the police. उन लोगों ने धमकी दी है। नहीं, हम लोग पैसे दे देंगे, 1 करोड़ ही तो है इंदू, we can afford it. मॉम, मान लीजिए कि हमने उन्हें 1 करोड़ दे दिए, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि वो हमें कल फिर परेशान नहीं करेंगे? लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो रोशेश की एक एक उंगली काट करके हमको भेजेंगे। एक एक उंगली कैसे भेजेंगे साहिल? कुरियर से? आई मीन अगर एक साथ सारी उंगलियां भेजे तो सस्ता नहीं पड़ेगा? मोनिशा, कम से कम उन किडनैपर्स के पैसे बचाने की फिक्र मत करो प्लीज। वो रोशेश की जान। नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, जानवान नहीं लेते वो लोग। बिल्कुल,
अब पिछले साल मेरे गिरीश चाचा किडनैप हुए थे बिहार में। किडनैपर्स ने उनसे 20 लाख रुपए मांगे थे, घर वालों ने देने से मना कर दिया, तो 4 दिन बाद गिरीश चाचा को अपने आप छोड़ दिया उन लोगों ने। सुन लिया। अरे कौन गिरीश चाचा? अरे जो ऐसा बोलते है ना, मोनिता तायल तैता है वो। ऐसा क्यों बोलते है वो? किडनैपर्स ने उनकी जुबान काट दी थी ना, लेकिन जान से नहीं मारा था। हाँ अगर रोसेश की जुबान काट दी तो? नहीं साहिल, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। हाँ और रोसेश तो वैसे ही अजीब तरह से बात करता है। नहीं हम दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे प्लीज, हम पैसे दे देंगे। माय बेबी मॉम, रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं टीवी चलाती हूँ। कुछ आएगा उसमें? उसका पति सिर्फ मेरा है का रिपीट टेलीकास्ट है, देखकर मन को शांति मिलेगी। तुम इसे प्यार करते हो साहिल, इसीलिए तो, वरना। साहिल दादी जी ने बार्गेनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया होगा ना, जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ से सीधे 25 लाख। वो किडनैपर्स मोनिशा के दूर के रिश्तेदार रहे होंगे। कैन यू बिलीव इट, दे एक्चुअली सेड तुम्हारी भी नहीं हमारी भी नहीं 25 लाख में फाइनल करते हैं। हो गया दुष्यंत, कम ऑन। हाँ बस हो गया। एक्चुअली इसमें कंप्यूटराइज रिमोट लॉक होना चाहिए, लगवा दे। नो अगर वो किडनैपर्स ये बैग नहीं खोल पाए तो मुझे भी किडनैप कर लेंगे। कम ऑन नो, बैग दो ना यार। लेट मी डू समथिंग नाउ। खैर तुम नहीं जा सकते बाबा, वो इंस्पेक्टर स्वामी तुम्हारा दोस्त नीचे पहरा दे रहा है, वो तुम्हारा पीछा करेगा। वो इंस्पेक्टर स्वामी तो मुझे भी जानता है, फिर क्या करें, किसको भेज, मोनिशा को भेजे क्या? नहीं नहीं, वो किडनैपर्स को पैसे देकर के बैग वापस मांगेगी ना। मतलब हम बैग वहां छोड़ के आने वाले थे? मम्मी जी मैंने इस बैग के पूरे 350 रुपए दिए। सुना तुमने? ठीक है साहिल, तुम इस बैग में सिर्फ 24,99,650 रुपए ही रखो। 350 रुपए बैग के मतलब 25 लाख पूरे, राइट? मैं तुम्हें 350 दे दूंगी, बट प्लीज दुष्यंत को भेजे। कोई चारा भी तो नहीं है? हाँ मैं जा सकता हूँ, इंस्पेक्टर मुझे बिल्कुल नहीं जानता। लकी इंस्पेक्टर। लाओ बैग लाओ। Wish me all the best, Jaji. मामी जी, हमें जीजाजी से कहना चाहिए था कि कम से कम वो एक बार तो कोशिश करे बैग वापस लाने की। Are you crazy, Monisha? वो किडनैपर्स के 25 लाख रुपए हाथ में लेके जाते, रास्ते में उन्हें कोई लूट लेता तो। तुम चाय लाओ, जाओ। दुष्यंत आ गया। बैग आ गई। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? हाँ, कितनी देर लगा दी तुमने? वो एक किडनैपर की घड़ी खराब हो गई थी। वो ऑटोमोबाइल नहीं घड़ी थी, लेकिन उसका बैलेंस स्प्रिंग। ओ माय गॉड, रोसेश कहाँ है? उसने तो आने से इनकार कर दिया। व्हाट? क्यों? क्योंकि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है उस घर में। बस बस चुप हो जा, अब रो मत, पिज्जा मंगवाऊं? सर मंगवा दीजिए मेरे लिए। ऐसा मत बोल यार, तेरे लिए 25 लाख तो दे रहे थे ना। बार्गेन की अनैंड बार्गेन। लगाइए फोन, मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। कि तुम क्या कह रहे हो रोसेश? जिस घर में मेरी वैल्यू ही नहीं है, मैं वहां क्यों आऊं? तुमने कहा था ना इंद्रवदन, मत करो बार्गेन, ये सब मोनिशा की वजह से हुआ है। इसमें मोनिशा भाभी का क्या कसूर है? उसका तो पैशन है ना पैसे बचाने का। लोकल ट्रेन में बैठती है तो टिकट का पैसा वसूल करने के लिए आखिरी स्टेशन तक जाती है, हालांकि उसका डेस्टिनेशन 2 स्टेशन पहले होता है। म्यूजिक शॉप के बाहर खड़ी होकर के मुफ्त में गाने सुनती है। एयरपोर्ट से एक्स्ट्रा बैगेज टैग लेती है। मॉम, ये वक्त नहीं है मोनिशा के बारे में डिटेल क्रिटिसिज्म करने का। और क्या? एंड यू लिसन टू मी रोसेश, तुम जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, आई विल कम एंड पिक यू अप। अब मेरी डेड बॉडी को ही पिक करने आइएगा साहिल भाई। सब्जी वेजिटेबल्स की तरह मोल भाव किया गया है मेरा, और ऊपर से आपने दुष्यंत को भेजा पैसे लेकर के। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दुष्यंत ने हरी भाई को उनकी गाड़ी का मैकेनिज्म सिखाया, मदन को मिनट और मुझे सेकंड का कांटा बनाया, और फिर बोला भी कि गोल गोल घूमो गोल गोल घूमो। ओके ऑलराइट, वी आर सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। एक डैड कुछ तो बोलिए ना। क्या? हाँ रोसेश बेटे वापस आ जाओ। से यू लव हिम। I love you, Rosesh. Say you are sorry. I'm sorry, Rosesh. Say you're missing him. इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोलूँ।
अरे ये स्पीकर फोन है इंद्रा माता। सुन लिया मामा, सुन लिया। डैड से तो कई गुना अच्छे हरी भाई और मदन है। पता है मदन तो मेरी कविता सुनकर रोया भी। और अब दोनों जब जुए में जीतते हैं तो वो भी ऐसा कहते। अरे बाप रे, इसका मतलब बेचारे गुंडों को भी उसने रोसेज बना दिया। मदन ने मेरे लिए डार्विन से पिज्जा भी मंगवाया, थिन क्रस्ट। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ मामा, मैं घर नहीं आऊंगा। बाय रोसेज। रोसेज बात सुनो। हेलो, आई गॉट इट डैड, डार्विन्स पिज्जा सिर्फ होम डिलीवरी करते हैं, तो उनके जरिए हमें इन गुंडों का एड्रेस मिल सकता है। चेक। मॉम। मामा। रोसेज। मामा। माय बेबी। हेलो, तुमने ढूंढ निकाला? इंस्पेक्टर स्वामी ने, और हमने डार्विन्स पिज्जा के एक डिलीवरी बॉय की मदद ली। लेकिन साहिल, पूरे मुंबई में तो 143 ब्रांचेस है डार्विन्स पिज्जा की। यस, लेकिन पिज्जा पे सोयाबीन, अल्ट्रा लो फैट चीज और लाइट ब्राउन ऑर्गेनिक मशरूम की टॉपिंग की फरमाइश भी पूरी मुंबई में ये एक ही तो है करने वाला। सच अ हेल्दी ऑप्शन, नॉट लाइक मोनिशा जो के छोले एंड पापड़ी चाट की टॉपिंग मंगवाती है। अरे ये पिज्जा विज्जा छोड़ो यार, वो 25 लाख रुपए कहाँ है साहिल बताइए? वो मैंने हरी और मदन को दे दी गिफ्ट। गिफ्ट 25 लाख गुंडों को? आपसे तो अच्छे ही थे वो दो एंजल्स। पता है मामा, अब वो इंडोनेशिया सेटल होके पायरेटेड डीवीडी का नया बिजनेस शुरू करेंगे मेरे 25 लाख से। मनी मनी अगेन मनी। मामा, मदन ने मेरे लिए कविता लिखी है, सुनिए। प्रोसेस नहीं, तुम जाके सो जाओ, तुम थक गए हो। सुनाने दो ना। सुना। सुनिए मामा, चांद सा चेहरा आंखें दो, सर पे काले काले केश, बत्तख जैसी आवाज वाला हॉस्टेज, बन गया हमारा दोस्त रोसेज। Oh, how sweet, my baby. Mama. Sarabhai, this is Sarabhai.